जिन बच्चा बहनों ने कर लिया अपने आप, वे मेरे से समझेंगे, वे अपना बैठ कर लिखेंगे नहीं जिन्होंने कर लिए, और जिन भैया बहनों ने नहीं किए वे भैया बहन अपनी नोटबुक में करेंगे। अब देखो 2 7 40, अब देखो सब बच्चे, जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में वे क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखो और 14 में इस साइड का जो नंबर होता है वो लिखेंगे राइट हेयर। अब 2 3 6 6 + 1 7 और 2 1 2। हमारा आंसर आगे कंप्लीट हो गया। अब लुक एवरीवन, 5 4 20 20 20 राइट 0 कैरी ऑन 2 5 3 15 15 + 2 17 17 7 कैरी ऑन 1 5 1 5 + 1 6। अकॉर्डिंग टू दिस आप अपना ऐसे ही क्वेश्चन करने। अब देखो सब बच्चे 8 7 8 1 2 6 8 3 24 8 5 48 6 48 7 56 8 7 56 56 राइट 6 हेयर कैरी ऑन 5 8 3 8 3 24 24 + 5 आप बताओ 24 + 5 29 29 29 राइट 9 हेयर कैरी ऑन 2 8 2 16 16 + 2 18 18 वेरी गुड। हमारे सिया बहन बहुत तेज है। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72। देखो डोजिंग टेबल याद है, जिन बच्चों को डोजिंग टेबल याद है वे आसानी से कर लेते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ आप सेकंड के बच्चे हो, जितने बच्चे अब याद कर लेंगे डोजिंग टेबल वे उतने बढ़िया रहेंगे। डोजिंग टेबल करने का क्या तरीका सब बच्चे समझो, ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो और लिख लिख कर इनको कॉपी में याद करो। जब आप ऐसे लिखोगे इनको याद करोगे तो जिंदगी भर याद रहेंगे, आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो 9 8 72 72 कैरी ऑन 2 कैरी ऑन 7 9 5 45 + 7 52 राइट 2 कैरी ऑन 5 9 3 27 9 3 27 + 5 भाई 27 + 5 32 32 32। इसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन करेंगे, करिए सब बच्चे। ओके लुक एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। अब इधर से जो पीछे गरिमा बहन बैठी, गरिमा बहन स्टैंड अप। 7 9 63 वेरी गुड 63 सिट डाउन। नेक्स्ट सिस्टर स्टैंड अप। 8 7 8 7 56। आपका नाम क्या है? जीविका। जीविका अच्छा जीविका ओके वेरी गुड। नेक्स्ट भैया खड़े हो जाओ। 3 4 3 4 आप बताओ बहन। 3 4 आप बताओ बेटा। 12 हाँ पार्टीवर नेम दिव्या। दिव्या बहन ने बताया 3 4 12 वेरी गुड, लेकिन पक्के याद नहीं है आपको। स्टैंड अप दिव्यान सिंह। 8 5 मालूम है मैं आपको। 8 5 40 यस। आगे 7 7 उधर से लाइन चल रही है ना आपके, तो 1 by 1 सब बच्चों का नंबर आना चाहिए, आपका भी आएगा। 7 7 49 वेरी गुड 49। हाँ बहन बराबर में आप खड़े जाओ। 9 3 ये कनिष्का बहन ने बताया 7 7 जा है। आपका नाम कनिष्का और आपका नाम क्या है? तमन्ना।
नाइन त्रीजा तमन्ना को याद है ये टेबल नाइन त्रीजा नाइन त्रीजा बताओ नाइन त्रीजा 36 नहीं होते आगे भैया खड़े जाओ आप नाइन त्रीजा आप बताओ बहन नाइन त्रीजा आपका नाम क्या है भाभी को याद नहीं है नाइन त्रीजा आप बताओ मैं भालूंगा आपको ये लाइन पूरी होने के बाद आपको नंबर आएगा आगे से नाइन त्रीजा बताओ बहन नहीं आता आपका नाम क्या है विनीति विनीतू को भी याद नहीं है नाइन की टेबल आप बताओ नाइन त्रीजा 27 आपका नाम क्या है पारस पारस को याद है 9327 वेरी गुड आप बताइए 38 बताओ भैया 24 आपका नाम क्या है वंश गुप्ता 38 24 हाँ जी एच आप बताइए 8216 नहीं बोले ओनली 16 बोलिए ये क्या नर्सरी की जैसे बोल रहे हो 8216 16 बोले डायरेक्टली 16 क्लियर अब ये हमारे हो गए अभी देखिए भैया बहन ध्यान से समझे क्वेश्चन को कैसे करेंगे दीन क्वेश्चन आर वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको ये दो नंबर दिख रहे हैं 6 और 3 अब इनमें से इधर ओनली वन नंबर दिख रहा है 6 तो जो नंबर बचा वो यहाँ लिखा जाएगा यहाँ 3 लिखेंगे ओनली 3 बस हो गया इक्वल अब जो नंबर इधर दिख रहा और उधर भी दिख रहा लेकिन जो नहीं दिख रहा वो उधर लिख दो 9 वेरी गुड अब आप बताओ बहन इन दोनों में से कौन सा नंबर इधर आएगा 4 वेरी गुड आप बताओ भैया 8 9 में से कौन सा नंबर आएगा सेवन का जब 7 है नहीं तो कहाँ से आएगा भैया आप बताओ इन दोनों में कौन सा नंबर इधर नहीं है भैया दो नंबर है 8 और 9 इधर 8 है तो कौन सा नंबर नहीं है इधर कौन भैया बोल रहा अरे 10 का है इनमें जी बच्चों बैठ जाओ देखो ध्यान से समझो आप तो खड़े हो जाओ दोनों आप भी खड़े हो जाओ हाँ ये भैया ध्यान से देखो बेटा ये जैसे मैं हूं एक ये भैया है एक्टिविटी करते हैं हम दो भैया हैं अब हमारे दोनों की शक्ल आपने देख ली फेस देख लिया अब इनमें हम दोनों में से आपके पास एक बच्चा आ जाए कोई भी आ जाए मैं आ जाऊं या ये आ जाए तो मैं यहाँ कम हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा मान लो मैं इधर आ गया आपके पास आ गया तो उधर किसकी कमी हुई सर की कमी हो गई ना तो जिस नंबर की जिस सर की कमी होगी तो वही लाना है यानी वही नंबर लाना जिसकी कमी है दो नंबर ध्यान से देखो ये तो ये मैं 6 हूँ ये 3 है मैं 6 हूँ ये 3 है अब हम दोनों अब इधर देखो इधर 6 तो है यानी मैं तो हूँ लेकिन ये वाला भैया तो 3 तो नहीं है तो 3 हमने लिख दिया बस करना क्या है इन दो नंबर में से एक नंबर उधर गायब है जो गायब है उसे लिखना बस जो नंबर गायब है ना वो वाले नंबर लिखना है अब बताओ बेटा अब इसमें बताओ ये 0 और 4 है यहाँ इनमें से कौन सा आएगा इन दोनों में से एक कोई आप बताओ बेटा ये 0 4 है 4 तो है तो कौन सा नंबर लिखा था विच नंबर राइट 0 ही तो लिखनी है ये भी नहीं बताया दूसरे ने बताया बीबी आपने नहीं बताया बहन ने बताया दिया लिखे हाँ 0 आएगा 0 विच नंबर इज नॉट रिटन आपका नाम क्या दोनों का जोसेफ और रक्षित और रियाज ये रक्षित और रियाज घर पे नहीं पढ़ते हैं मम्मी पापा इनको पढ़ाएं जरूर ये बिल्कुल कमजोर भैया बहन ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी बैठ जाइए अब आप भी खड़े हो जाओ बेटा 7 5 तो फिक्स नंबर ही रहेगा आप भी बैठ जाओ हाँ जी 5 5 आएगा भाई ये 7 यो 7 हो गया अब ये वाला नंबर यहाँ नहीं है तो इस वाले नंबर को लिख दो अब आप बताओ 7 4 4 तो फिक्स नंबर नहीं क्या 4 तो ऑलरेडी है जो है से क्यों बोल रहे हो जो है भाई क्या नाम है आपका
निकुल चांदिया, नूतन निकुंज चांदिया, ये भी हमारे भैया पढ़ते नहीं है। निकुंज चांदिया सेविन, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, सिया बहन बताएगी और मॉनिटर बताएगी, खड़े हो जाओ, देखो कौन बताएगा इसमें, बिल्कुल ध्यान से देख के बताओ। केप क्वाइट, फाइव, वेरी गुड। देखो ये सेवन है, ये भी सेवन है, ये टू है, ये भी टू है। अब फाइव नहीं है, फाइव नहीं है तो फाइव यहाँ लिख दो। और करना क्या, इसका सर कोई क्वेश्चन है क्या? सबकी समझ में आ गया? दो तीन बच्चे घर पे जाके वीडियो दोबारा देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। जिनको समझ में नहीं आई वे सब ओके 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 नहीं, अच्छी सीधे लिखवाएंगे बेटा। नहीं बोला अभी आपसे पूछा तो था बहन, आप तो हमेशा ऐसे बोलते, मैं नहीं पूछा, मैं अपना लिख रहा हूँ बस। प्लीज केप क्वाइट, प्लीज केप क्वाइट, सब भैया बहन अपना वर्क करेंगे।